मुरादाबाद की बिलारी कोतवाली परिसर में होली त्योहार को लेकर आज पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में एक भड़काऊ बयानबाजी का मामला प्रकाश में आया है, जहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में नगर इमाम सदाकत हुसैन का माइक से बोलते हुए बेहद भड़काऊ बयान दे दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। वायरल वीडियो में बिलारी कोतवाली परिसर में कुर्सियों पर बैठे नगर के गणमान्य लोगों को बीच नगर इमाम सदाकत हुसैन हाथ में माइक लेकर लोगों के बीच भड़काऊ बयानबाजी देते सुना जा सकता है, जिसमें नगर इमाम कह रहा है कि होली के अवसर पर किसी व्यक्ति को रंग खेलने के लिए मजबूर ना करें और ना ही किसी तरह की कोई शरारत करें। ऐसा ना हो कि बिलारी में फिर हंगामा हो जाए। दो बार ऐसा हो चुका है, लेकिन अब की बार कुछ हुआ तो फिर फसाद होगा। पहले चेतावनी दे रहा हूं, लिहाजा प्रशासन को सतर्क रहना होगा। वहीं जो टीमें बनाई गई हैं, उनके लिए हिदायत दी गई है कि जो भी उधर से गुजरे उसके रिकॉर्डिंग करे। नगर इमाम ने आगे कहा कि जिस भी व्यक्ति ने शराब पीकर कुछ किया तो उसका जिम्मेदार वही होगा। वहीं इस मामले में एसएसपी हेमराज मीणा का कहना है कि बिलारी कोतवाली में हुई पीस कमेटी की बैठक के दौरान आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है, उसमें भड़काऊ बयान देने वाले आरोपी के खिलाफ एफआईआर कर कानूनी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही कोई भी अगर माहौल खराब करने की मंशा रखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में पुलिस को एक्शन में देखकर नगर इमाम सदाकत हुसैन ने आनन फानन में माफीनामा का एक वीडियो जारी कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि पीस कमेटी में उनके बोलने का यह मकसद बिल्कुल नहीं था कि किसी की भावनाओं को आहत पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि बिलारी आपसी भाईचारे की मिसाल है। यहाँ पहले भी हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग एक साथ एक दूसरे के त्योहार पर शरीक होते आए हैं, एक साथ मिलकर मनाते आए हैं। इसके साथ ही इमाम ने अपील करते हुए कहा कि सभी धर्मों के लोग आगामी त्योहार आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाएं। उसे होली खेलने पर मजबूर न करें और न ही किसी तरह की कोई शरारत करें। ऐसा ना हो कि बिलारी में फिर हंगामा हो जाए। दो दफा ये बात हो चुकी है, सभी सब में होते हैं, मुसलमानों में भी हिंदुओं में भी। अब के अगर शर हुआ तो शर तो फिर फसाद होगा, झगड़ा होगा। पहले चेतावनी दे रहा हूँ, लिहाजा प्रशासन को सतर्क रहना है और जो टीमें बनाई गई हैं उनके लिए हिदायत ये है कि जो भी उधर से गुजरे उसकी मूवी बनाई जाए। एक शराब के उसमें हो, कुछ भी हो, जिम्मेदार वो होगा, उसके खिलाफ चालान जरूर होना चाहिए। मैं उसको नहीं बख्शूंगा। शराब पियो, घर में रहो, सीधे सीधे निकलो। अगर मस्जिद पर किसी दुकान पर हमला किया गया, रंग डाला गया, तो उसकी नुमान जमाल और दूसरे लोगों ने जो टीम बनाई है उनकी जिम्मेदारी है, उनकी मूवी बना ले और उनके खिलाफ चालान होना चाहिए, जेल भेजा जाने। मैं सदाकत हुसैन रजवी शहर इमाम बिलारी बोल रहा हूँ। आज बिलारी कोतवाली में होली के मुतालिक अमन कमेटी की मीटिंग थी, उसमें मैंने दोनों ही वर्गों से, हिंदू भाइयों मुसलमान भाइयों से मिलजुल कर अपने अपने त्यौहार मनाने की बात कही। हमारी बिलारी में हमेशा से सारे ही त्यौहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं और मनाए जाते रहेंगे। हमारी बिलारी के हिंदू मुसलमान दोनों ही लोग बहुत ही अच्छे भले लोग हैं। वो नहीं चाहते बिलारी की शांति भंग हो और ना ही हम चाहते हैं कि बिलारी की शांति भंग हो, बल्कि हर त्यौहार चाहे वो हिंदुओं का हो चाहे मुसलमानों का हो बहुत ही अमन और शांति के साथ मनाया जाए। दोनों वर्गों को समझाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि भाईचारा हमारा कायम रहना चाहिए, जैसा कि हमारा बरसों से रहा है। मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि किसी भी धर्म के विरुद्ध बोला जाए या उसको आहत किया जाए। पीस कमेटी की बैठक रखी गई थी थाना बिलारी में, उसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक आपत्तिजनक बयान दिया गया है, जिसमें उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई है, मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और इस तरह की कोई भी चीज़ यदि जनपद में किसी व्यक्ति के द्वारा इस तरह की मंशा रखी जाती है या फिर कोई इस तरह का कार्य करने का विचार व्यक्त किया जाता है, उन सब के लिए यही है कि इस तरह की कोई कार्रवाई करेगा तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। और किसी भी व्यक्ति को जनपद में जो शांति व्यवस्था है उसको प्रभावित करने का कोई भी कुत्सित प्रयास करेगा, उन सबके विरुद्ध कड़ी